दोस्तों, रोज़ की तरह आने लिखने ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बॉक्स की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, रामचरितमानस के उत्तरकांड के काग भुसंडी और गरुड़ जी के संवाद के अंतर्गत जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरित्र चित्रण का हम वर्णन करते हैं, तुलसीदास जी ने जिस बार के चरित्र का वर्णन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का काग भुसंडी जैसे कौए के अवतार में अवतरित होकर के परमात्मा के रहस्य का जो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति का संचार उन्होंने किया था, वो वास्तव में दोस्तों हमारे जीवन के लिए और परमात्मा की भक्ति में लीन होने के लिए एक अपार क्षमता है, अपार विभूति है, अपार पराकाष्ठा है। तो दोस्तों, भगवान शिव ने पार्वती से, माँ पार्वती से कहा था कि बाल चरित कहीं विविध विधि मन मह परम उत्साह ऋषि आगुन कहीं पुनि श्री रघुवीर विवाह। यानी मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की जो बाल लीलाएँ कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र और अयोध्या यानी वन से अयोध्या में प्रवेश करना और श्री रघुवीर जी का विवाह प्रसंग और रावण के साथ उनका युद्ध का पूरा वृतांत काग भुसंडी जी ने इस पवित्र स्थली में जो चार पर्वतों से घिरा हुआ अरण्य और शांत निर्मल प्राकृतिक स्वरूप से आच्छादित स्वर्णिम स्थान था, वहाँ पर सत्संग से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिंह जी के स्वभाव का पूर्ण चित्रण करके और उनकी लीलाओं का पूर्ण सचित्र चित्रण करके गरुड़ जी को अनेक पक्षियों और चर और अचर सभी प्रकार के जीव जंतुओं, प्राणियों, मनुष्यों, ऋषियों, मुनियों तो उनके अंतःकरण में अपने विचारों से उनके ज्ञान को खोलने का जो भाव प्रकट किए वह हमारे अंतःकरण में साक्षात रूप में अवतरित होते हैं। तो काग भुसंडी जी ने दोस्तों गरुड़ जी को पूरी राम कथा सुनाई और उनका संदेह दूर करने का प्रयास किया। काग भुसंडी जी ने गरुड़ जी को समझाया कि भगवान ने नर रूपा यानी काग भुसंडी जी ने के साथ गरुड़ जी के साथ प्रश्न तथा काग भुसंडी ये उन सात प्रश्नों का उत्तर बड़े ही उत्साह के साथ दिया और परमात्मा के आशीर्वाद आशीर्वचन के भाव मानव चेतना में कैसे रामचरितमानस में यानी पशु पक्षियों के अंतःकरण में, इसीलिए भगवान शंकर ने गरुड़ जी को काग भुसंडी के पास ही भेज करके लंबे समय तक सत्संग करके परमात्मा के आशीर्वचन को प्राप्त करने का संदेश दिया। तो गरुड़ जी के साथ प्रश्न था, काग भुसंडी के उत्तर पुनि सप्रेम बोलहुं खगराऊ जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ नाथ मोहि निज सेवक जानी सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी।
यानी पक्षीरा गरुड़ जी ने फिर प्रेम सहित अपने मधुर वचनों को कह करके काकभूषण जी से कहा, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका वास्तविक स्नेह है, परम प्रेम के भाव हैं, तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे सात प्रश्नों का उत्तर का बखान कर मुझे मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को खोलने का प्रयास करें। प्रथम ही कहूँ नाथ नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन दुख भारी, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संदेह पही कहूँ खिंचा। यानी हे नाथ, हे धीर बुद्धि वाले पहले तो यह बताइए कि सबने दुर्लभ इस संसार में सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। पूरा विवरण उन्होंने पूछा। फिर सबसे बड़ा दुख इस संसार में कौन है, क्या है, और सबसे बड़ा सुख और दुख इस संसार में क्या है, यह भी विचार कर संक्षेप में मेरे अंतःकरण में अपने भावों को विचार कर, संत असंत मरम तुम जानहु, तीन कर सहज स्वभाव बखानहु, कहूँ कवन अघ परम कराला, संत और असंत का, यानी संत और असंत का मर्म जो भेद है आप जानते हैं, और उनके सहज और स्वभाव का वर्णन मुझे सुनाइए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य इस संसार में कौन सा है, और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, संत मिलन सम सुख जगनाही, पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव का बुलाया। यानी इस संसार में, इस भूमंडल में, इस पृथ्वीमंडल में, इस सांसारिक जगत में दरिद्रता के समान और कोई दुख, सबसे बड़ा दुख इस संसार में दरिद्रता है, तथा संतों से मिलेगा और संतों के सानिध्य में रहने के समान जगत में और कोई सुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़े सुख की उन्होंने, सबसे बड़ा दुख इस संसार में दरिद्रता को बताया, सबसे बड़ा सुख इस संसार में संत की वाणी में जो अमृत की धारा होती है उसको सुख की राशि कहते हैं। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से, यानी मन वचन और शरीर से परोपकार करना, दूसरे का हित करना, परमार्थ करना, यह संतों का सरल स्वभाव होता है। संत निष्काम भाव से इस जगत में कार्य करते हैं। संतों के सानिध्य से हमारे जीवन में वास्तविक ज्ञान का संचार होता है। तो इस प्रकार के भावों से गरुड़ जी के अंतःकरण को जिस प्रकार से काकभूषण जी ने परिपूर्ण किया, पवित्र किया और परमात्मा की आस्था से अभिभूत होकर के
उनको इस संसार की जो संशय माया मोह रूपी जो संशय उनके अंतःकरण में था वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। वह अपने जीवन में कृतिकृत्य हो गए, धन्य हो गए और उनको परमात्मा की वास्तविक प्राप्ति हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार यानी भगवान की वास्तविक भक्ति का जो प्रसाद कागभूषणी जी को ज्ञात था, शंकर जी भी हंस के स्वरूप में रूप में जाकर के जिन्होंने कागभूषणी जी के ज्ञान को अपने अंतःकरण में लिया, और गरुड़ जी जो पक्षियों के राजा थे और उनके आने से कागभूषणी जी के हृदय में अपार हर्ष की अनुभूति हुई। उनके आश्रम में उनको मान सम्मान, मान मर्यादा और अनेक प्रकार के सद्गुणों का के भावों का संचार हुआ। तो दोस्तों कल के प्रसंग के संबंध में उत्तरकांड में कागभूषण जी और गरुड़ जी के ज्ञान की वास्तविक पराकाष्ठा का जो वर्णन तुलसीदास ने किया है वह हमारे जीवन की और आज के प्रसंग की भूमिका का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो इसी संबंध में दोस्तों आज के पंचांग की बात करते हैं कि आज का पंचांग दोस्तों आज 2 सितंबर 2024 भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या तिथि सुबह 5:21 तक रहेगी। समापन 3 सितंबर 7:54 तक सोमवती अमावस्या रहेगी। और आज दोस्तों मेघा नक्षत्र का संयोग है, चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश रात दिन विचरण करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों 12:01 तक से 12:51 तक। आज के अमृतकाल की बात करें 9:39 से 11:25 तक सायं। ब्रह्म मुहूर्त आज दोस्तों 4:37 से 5:25 तक सुबह। आज के राहु काल की बात करें तो 7:35 से 9:10 तक, क्षमा कीजिएगा 9:10 तक प्रातःकाल राहु काल का संयोग रहेगा। और इसी राहु काल के दौरान किसी प्रकार के भी शुभ कार्यों को करना वर्जित माना गया है, क्योंकि सिद्धि प्राप्ति के लिए कार्यों की सफलता के लिए राहु काल के दौरान किसी भी कार्य को करने में अशुभ फलों का संयोग रहता है, इसीलिए इससे बच के रहना चाहिए। आज का सूर्योदय 6:06 और सूर्यास्त 6:41। तो इस प्रकार आज के सूर्य यानी आज दोस्तों आज के तो दोस्तों आज जो है सोमवार का दिन है। सोमवार को सोम भी कहते हैं, भगवान शिव को, शिव की पूजा आराधना शिवलिंग की पूजा करने का श्रेय है। सोमवार का दिन किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने का के लिए बहुत ही शुभ कार्य माना गया है। कार्यों की सिद्धि के लिए, कार्यों की पूर्ति के लिए, कार्यों की सफलता के लिए तो भगवान शिव के स्वरूप का की आराधना की जाती है। भगवान शिव की चंद्रदेव और शिव भगवान की पूजा अर्चना करने का यह शुभ अवसर है, क्योंकि चंद्रमा शिव जी की जटाओं में वास करते थे और वहाँ से ही शिव जी की जटाओं में गंगा विराजमान थी और उन्हीं से गंगा की धारा प्रवाहित हुई और सभी देवताओं में शिव सर्वाधिक कल्याणकारी, मंगलकर्ता और विध्वंसकर्ता भी माने जाते हैं। शिव के संबंध में हमारे अनेक शास्त्रों में, वेदों में
वर्णन है। और सृष्टि में जब कुछ नहीं था तब शिव जी का ही स्वरूप माना जाता है, प्रलय के बाद ही शिव को ही शिव का स्वरूप विशेष माना गया है। शिव अनादि और अनंत है, देवों के देव है। सृष्टि का प्रारंभ शिवलिंग की स्थापना से किया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जब लंका में रावण को पराजित किया था तो उसको पराजित करने के बाद जब वह सेतु बंध से पार हो रहे थे तो वहाँ पर रामेश्वरम में उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। भगवान शिव की आराधना रामचंद्र जी ने अनेकों जगह अपने भावों में कहा है कि बिना शिव के मेरी पूजा संपूर्ण नहीं। शिव बिरंचि मोहि भक्त न कहावा, जो शिव को नहीं मानता है वह मेरा भक्त वास्तविक भक्त नहीं। तो शिव ने ही दोस्तों शिवलिंग की प्रेरणा लेकर सृष्टि को विकसित किया और सृष्टि में सत्यं शिवं सुंदरं की स्थापना हुई। तो शिव को ही ग्रंथ पुराणों में ब्रह्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। उपनिषद में एक स्थान पर लिखा है दोस्तों, तमीश्राणां परं महेश्वरं, तमीश्राणां परमं महेश्वरं, तं देवतानां परं च देवतां, पतिं पतिनां परं प्रसादात् चिदाम देवं भूमने समित्यम्। यानी सृष्टि में जब कुछ नहीं था अर्थात शून्य व्यापक था, उसमें ब्रह्मांड में केवल अंधकार फैला हुआ था, तो दोस्तों शिव ही सूर्य की उत्पत्ति का दिन और रात की रचना करके ब्रह्मा कहलाए। तो शिव सृष्टि के ब्रह्म हैं और ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम कल्याणकारी। लेकिन शिव इंद्र आदि देवताओं से भी देवों के देव माने गए हैं। शिव महान हैं, उन्होंने मानव ही नहीं देवताओं की सुरक्षा के लिए विषपान किया था जब समुद्र मंथन हो गया, इसीलिए वह नीलकंठ कहलाए। तो समुद्र मंथन के समय देवता और राक्षसों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ तो शिव ने विषपान करके देवताओं को धन्य किया। तो इसीलिए शिव को कल्याणकारी देवता माना गया है, ब्रह्मा विष्णु से भी अधिक पूजनीय हो गए। तो शिव दोस्तों सुर और असुर दोनों में पूजनीय देवता माने गए हैं। शिव के सबसे कल्याण की कामना करते हुए सबको अनेक वरदान दिए। सृष्टि को विध्वंसकारी असुओं के प्रकोप से बचाते असुओं और कल्याण करके उन्हें शक्तिशाली बनाया। पुराणों में दोस्तों इस प्रकार का वर्णन है कि त्रिपुर है, रावण है, भस्मासुर है, महिषासुर है आदि असुर दैत्यों को उन्होंने वरदान दिए थे। तो कभी कभी दोस्तों विवश होकर के उनकी भक्ति थे, भक्ति के कारण अपार भक्ति के बाद जब उनके अंतःकरण में समाहित हो गए तो भगवान शिव ने उनको प्रसन्न होकर के वरदान दिए। उसके बाद वह राक्षसी अवतार में उन्होंने उसका दुरुपयोग किया। तो रावण के भाई कुबेर तक को भी उन्होंने धन धान्य से पूर्ण भर के लोकपाल का पद दिलाया। तो शिव को की अनुकंपा से कुबेर देवताओं की तरह इसलिए पूजनीय माने जाते। तो प्राचीन हमारे जो वेद हैं, ग्रंथ हैं, पुराण हैं, शिव पुराण हैं, तो शिव का विस्तृत वर्णन में मिलता है और शिव को उनकी महानता के कारण अनेक नामों से पूजा जाता है। शिव ही सहस्त्रों नामों की से वंदना की जाती है। महेश्वर हैं और नटवर हैं, चंद्रशेखर हैं, गंगाधर हैं, कैलाशपति हैं, मृत्युंजय हैं, त्र्यंबकं, यजामहं, सुगंध्यं, पुष्टिवर्धं, उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षी मामला, पशुपति हैं, श्रीहर हैं और महादेव हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, रुद्र हैं, नागेश्वराय हैं, अर्धनागेश्वराय हैं, उमापति हैं, शंकर हैं, भोलेनाथ हैं,
गौरापति हैं, और इस प्रकार दोस्तों महेश्वर हैं, तो शिव जी के अनेकों नामों से शिव की वंदना की जाती है। शिव अपनी महानता के कारण अनेक देशों में आज भी उनकी पूजा अर्चना की जाती है। ओम नमः शिवाय की अर्चना करने से भगवान शिव की, शिव का जप किया जाता है। हजारों बार भी हम जप करते हैं तो हमें शिव की वास्तविक भावनाओं का संचार और शांति का आभास हमको होता है। हमारे जीवन में यह मंत्र सबसे बड़ा मस्तिष्क को साफ करने के लिए पवित्रता का सूचक माना जाता है, और दूषित विचारों का को समाप्त करने के भावों को व्यक्त करता है। शिव के इस मंत्र से आत्मशक्ति और बुद्धि का विकास होता है, अनिष्टकारी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इस संसार में दोस्तों विश्व की पूजा सबसे प्राचीन और मंगलवारी कही जाती है। शिव की पूजा, शिव को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में लोग मानते हैं। शिव की पूजा शिवलिंग की मूर्ति व चित्र लिखकर भी की जाती है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंध्यं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुक्मेव वंदना मृत्योर्मोक्षिणः। शिव की पूजा संकटों से सुरक्षा करती है और आराधक को दीर्घ आयु प्रदान करती है। शिव की पूजा में रत्न है, भूषण है, धन धान्य है, बेलपत्र है, चंदन है, फल है, फूल है, और शमी की पत्ती है, मदार की फूल है, और भांग है, धतूरा है। तो इसीलिए भगवान शिव ने लोक कल्याणकारी चीज़ों को लोगों के कल्याण के लिए प्रयोग की, और जो भी ऐसे चीज़ें थी उसको अपने ऊपर समाहित किया। यानी जो भी खराब चीज़ें थी उनको भी अपने प्रभाव से उनको भी सही किया। विष को भी उन्होंने अमृत बनाने का कार्य किया। तो भोले भंडारी शिव सभी तरह से पूज्य माने जाते हैं। इसलिए सोमवार को भगवान शिव को सोमदेव भी कहते हैं, क्योंकि सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है, और अनेक विधि विधान से शिव जी की आराधना करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के शांति भावों का संचार हुआ है, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जो भी कन्याएं होती हैं उनको 16 सोमवार का व्रत रखने से उनको मनोवांछित बल की प्राप्ति होती है, और जो सुहागिन स्त्रियाँ होती हैं उनको उनके पति की दीर्घ जीवन की कामना के सूचक के रूप में शिव भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। सावन में दोस्तों भगवान शिव की आराधना की जाती है, शिवलिंग की पार्थिव पूजा की जाती है, जिससे घर में शांति आती है, वातावरण पवित्र होता है। इस प्रकार शिव ही इसीलिए सत्यं शिवं सुंदरं कहा गया है। सभी देवों के देव शिव भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जब सीता जी का स्वयंवर हुआ था तो उसमें गौरा से अपने पति की प्राप्ति के लिए आराधना की थी। तब पार्वती जी ने उनको, गौरा जी ने उनको वरदान दिया था, तुमको अटल सौभाग्य की प्राप्ति होगी, जिसके परिणाम से वह इस संसार में हमेशा के लिए सर्वशक्तिमान होंगे। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और शिव की आराधना में हमेशा कोई भी कार्य करने से पहले भगवान शिव की आराधना करना अनिवार्य माना गया। भगवान रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं, प्रत्येक मन की बातें जानते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों कल के प्रसंग में, उत्तराखंड के प्रसंग में पक्षीराज गरुड़ जी कोमल वचन कहे कि आप, और उन्होंने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के लिए वह काकभूषण जी के पास पहुँचे और कृतार्थ हुए, और उनकी बड़ाई महादेव के आदरपूर्व अपने श्रीमुख से की है, अपने मुखारबिंदु से की है। सुनो उतात जी कारण आये हूँ, सो सब भय उदर सब पाव हूँ, देख परम पावन तवासम भयम ओ संशय नाना भय। तो तब उन्होंने कहा, हेता सुनिए, मैं जिस कारण से आया हूँ तो वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया है। गरुड़ जी ने, जो पक्षियों के राजा गरुड़ जी थे, ज्ञानी थे, भगवान की भक्ति में अनुरक्त थे, तो उन्होंने कहा मेरे अंतर्गण में जो थोड़ा बहुत जो संशय था वह हमेशा के लिए
जैसे ही मैं आपके आश्रम में काकभूषण जी के आश्रम में प्रवेश किया, जहाँ लंबे समय तक सत्संग होता था, लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए वहाँ पर आते थे, तो फिर आपके दर्शन काकभूषण जी के दर्शन गरुड़ जी को होते हैं। पवन पवित्र आश्रम देखकर गरुड़ जी का मोह है और संदेह जो है वो हमेशा के लिए उनका भ्रम जाल समाप्त हो। तो तब अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज नशावन, सादरता तो सुनावि मोही, बार बार विनोह तो ही। तब वो कहते हैं कि अभिता आप मुझे श्री राम जी के अत्यंत पवित्र करने वाले, जो मन वचन और कर्मों को पवित्र करने वाली है, सदा सुख की अनुभूति करने वाली हैं और उन दुख समूह का अंत करने वाली है और आदर सही रूप को सुनाने का की कृपा कीजिए, हे प्रभु मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। तो सुनत गरुड़ के गिरह विनयता, सरल सप्रेम सुपरसु सुपनीता, भयोता सुमनो परम उत्साह ला कह रघुबरी। तब गरुड़ जी के विनम्र सरल सुंदर और प्रेमयुक्त सुप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही काकभूषण जी के मन में अपार उत्साह और ज्ञान का प्रभाव हुआ, जिससे रघुनाथ जी के गुणों की कथा वह पूर्ण विस्तार के साथ उन्होंने शुरू की और प्रथम ही अति अनुराग भवानी राम सही सत कहूँ बखानी, और प्रभु पुनि नारद गहम वो अपारा कहूँ बहुल रावण उतारा। तब उन्होंने हे भवानी, तब शिव जी उमा से पार्वती श्री जी कहते हैं कि ये वाणी पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरित मानस के सरोवर का रूपक समझाकर कहा, उस सरोवर का वर्णन किया, फिर नारद जी का अपार मोह, फिर रावण के अवतार का पूर्ण प्रसंग जो है विस्तार से काकभूषण जी ने गरुड़ जी को समझाया। प्रभु अवतार कथा अपने गाई, तम शिशु चरित्र का मन लाई। तब फिर प्रभु के अवतार की कथा का वर्णन किया, तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाओं का सचित्र वर्णन किया। तो बाल चरित कर विविध विधि मन मोह परम उत्साह, ऋषि आगमन कहो पुनि श्री रघुवीर विदा। तब उन्होंने अंततो गत्वा मन में परम उत्साह भरकर अपने हृदय में अपार आनंद की अनुभूति करते हुए अनेकों प्रकार की जो बाल लीलाएँ कहकर ऋषि विश्वामित्र का अयोध्या आना, कैसे ऋषि विश्वामित्र अयोध्या कैसे क्यों आए, उन्होंने राम और लक्ष्मण जी को क्यों मांगा, उनके भक्ति में राक्षस ने किस प्रकार से अवरोध किया, श्री राम जी के विवाह जो कि मैंने अभी बताया कि गौराज ने उनको वरदान दिया, उसका पूरा प्रसंग पूरा विस्तार के साथ प्रसंग बताया। तब काकभूषण जी के अंतःकरण में परमात्मा के प्रति अपार स्नेह भावनाओं का संचरण हुआ। इस प्रकार दोस्तों में यानी जब गरुड़ जी के अंतःकरण में ज्ञान ज्योति का प्रकाश हुआ, तो सामान्यतः कुछ जानते एवं समझने की प्रक्रिया को ही ज्ञान कहा जाता है। तो जिस व्यक्ति के जीवन में जीवन यात्रा ज्ञान की खोज की ओर बढ़ती है, उसी के अनुरूप वह आचरण भी करता है। तो जब कभी दुख यानी दुख अनुभव नहीं करता है, सत्य तो यह है कि दोस्तों अज्ञात ही दुख का मूल है। जब हमको अज्ञान होता है, हमको ज्ञान नहीं होता है, वास्तविक ज्ञान का हमारे अंतःकरण में नहीं होता है, तब हमको वही हमारे दुख का कारण बनता है। तो मनुष्य को अनेक विषयों का ज्ञान हो सकता है, पर इस प्रकार का ज्ञान उस विषय की विद्या एवं कला की जानकारी ही माना जाएगा। उस विषय का प्राप्त ज्ञान परोपकार सदाचरण द्वारा व्यवहार में आता है, वह ज्ञान की संज्ञा में लिखा जाता है। दोस्तों मूल रूप में आत्मा को पहचानना और उसके मूल रूप का आचरण करना ज्ञान है। इसीलिए काकभूषण जी के आश्रम में गरुड़ जी का जो ज्ञान प्रकट हुआ, ज्ञान अज्ञान रूपी चादर से ढका रहता है और अज्ञान रूपी परत को उखाड़ कर ज्ञान का अनुभव करना सच्चा ज्ञान है। तो दोस्तों सच्चा ज्ञान शास्त्रों के अध्ययन के
अनुरूप अनुभूतियाँ प्राप्त कर विद्वान यानी सज्जन विद्वान का ज्ञान ही होता है। तो कागभूषणी जी ने जिस ज्ञान का प्रसाद लोगों को बांटा, ज्ञानी पुरुषों में अज्ञानियों के अंधकार को दूर करने की क्षमता होती है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में दोस्तों ज्ञानियों की ऋषि की संज्ञा दी गई है। ज्ञानियों को उनकी कल्याणकारी सोच व समाज और राष्ट्रहित माना जाता है। तो यही आध्यात्मिक ज्ञान भारत की अमूल्य थाती है जिससे विश्व की मानवता को का कल्याण हुआ है और विश्व मानव को एक बहुत बड़ा वरदान प्राप्त हुआ है। ज्ञानी की जीवनशैली सामान्य पुरुषों से भिन्न होती है और कभी आचरण के बिना उतारे ज्ञान का वरदान भी अहंकार और अज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। इसीलिए जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में भगवत कृपा के विश्वास से प्रेम और प्रेम की पराकाष्ठा का ज्ञान होता है। तो विभिन्न परिस्थितियों में भगवत कृपा से विश्वास से हम परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं। अनेक प्रकार की परीक्षाएं हमारी जाती हैं, दुर्बलताओं पर भी विजय प्राप्त करते हैं, आत्मिक चेतना हमारी जगती है। तो हम इसीलिए गरुड़ जी आत्मा की शांति के लिए संशयों का अंत करने के लिए, आत्मिक चेतना को जागृत करने के लिए, आनंद और मानसिक और शारीरिक संतुलन प्राप्त करने के लिए यानी कागभूषण जी के पास गए, जिसके परिणाम से उनको मानसिक शारीरिक संतुलन प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो आध्यात्मिक ज्ञान ही तो दोस्तों हमें सामर्थ्य प्रदान करता है और आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत श्रद्धा का महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञान की ज्योति से जो प्रकाश होता है वह अज्ञान को नष्ट कर मनुष्य को सही दिशा की ओर बढ़ने का निर्देश देता है। इसीलिए का यानी गरुड़ जी ने कागभूषण जी के पूर्वजों से जो राम मर्यादा की अनुभूति का अनुभव किया उससे उनका ज्ञान परिपक्व हुआ। तो दोस्तों बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा पुण्यनृप वचन राम कर भंगा पूर्वासिन कह विरह विषादा कहो राम लक्ष्मण सुंदर। फिर रामचंद्र जी ने राज्याभिषेक का प्रसंग फिर राजा दशरथ जी के वचन के राजाभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगरवासियों का विरह का वर्णन करा, विषाद और श्री राम लक्ष्मण के संवाद की बातचीत का पूरा वृतांत का आभूषण मुझे सुनाए। विपिन गवन के वट अनुरागा सुरसई उतरे निवास प्रयागा। तो दोस्तों सुंदरकांड में यानी उत्तरकांड में पूर्ण रामायण रामचरितमानस का सार नीत है। तो विभिन्न गवन के वट अनुरागा सुरसई उतरे निवास प्रयागा बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना चित्रकूट जीवन बसे। तो मर्यादा वसुंग भगवान रामचंद्र ने अपने जीवन काल में जहाँ जहाँ जो भी कार्य की कागभूषणी ने उसका पूरा श्री राम जी का वनगमन, केवट से प्रेम, गंगा जी से पार उतर कर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और श्री रामचंद्र का मिलन, जैसे भगवान चित्रकूट में बसे, इसका सब प्रसंग जो है विस्तार के साथ उनको याद कराया। सचिवा गवन नगर नप मरना भरत आगमन प्रेम को वरना कर नप किया संग पुरवासी भरत गई जो पुरुष। तो फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी वन को चले जाते हैं, सुमंत वापस आ जाते हैं, तो राजा दशरथ जी का जब उसके बाद मरण हो जाता है, रामचंद्र जी का वियोग उनको हो जाता है और भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का करी नप किया संगपुरवासी उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया है, भरत गई प्रभु सुख राशि राजा की अंत्येष्टि करना यानी करी नप क्रिया संगपुरवासी और नगरवासियों भरत गई जहाँ प्रभु सुख राशि नगरवासियों को साथ देकर भरत जी वहाँ गए जहाँ सुख की राशि प्रभु भगवान राम जी चित्रकूट में निवास करें।
तो पूरा प्रसंग इस प्रकार से विस्तार के साथ काकभूषण जी ने गरुड़ जी की सुनाया, अपने अपने अपार सत्संग की महिमा के स्वरूप पुण्य रघुपति बहु विधि समझाई, ले पादुका अवध को आई भर रहन सुरपति कर करनी प्रभु अरु अति भेंट कर पुण्य वर्ण। यानी फिर रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया भरत जी को, जिससे वे खड़ाओं लेकर अयोध्या लौटे। उन्हीं खड़ाओं को राशि आसन पर बैठ करके भरत जी ने जिस प्रकार से मुनि बीच में मर्यादा विष्णु भगवान राम जी 14 साल का वनवास किया, उन्होंने भी इस प्रकार से वनवास किया। तो भरत जी को नंदीग्राम में रहने की रीति इंद्रप्रस्थ जयंती की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अति जी का विलाप का वर्णन पूर्ण विस्तार के साथ, तो कही विराद बद विधि। तो इस प्रकार दोस्तों सचिवा गवर्न नगर वर्ण भरता वर्ण प्रेम बहु वर्ण, यानी मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राधा दशरथ जी का उसी समय मर्यादा पुष्प भगवान राम जी के वियोग में विरह वियोग में राजा दशरथ जी ने जिस प्रकार से अपने प्राणों की आहुति दे दी, और भरत जी का को उसी समय ननिहाल से बुलाया, तो दुख के प्रसंग का जिस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया, उसी प्रकार राम राज्य के सुख की प्राप्ति कैसे सुख की प्राप्ति होती है, दुखों में ही सुख की अनुभूति के भाव छिपे रहते हैं। तो सुख दुख जो है दोस्तों हमारे जीवन के लिए एक प्रकार से हमारे ज्ञान को उद्वेलित करने के लिए, ज्ञान के प्रकाश को आलोकित करने के लिए दोनों के भावों से हमको गुजरना पड़ता है। तो इस प्रकार फिर रामचंद्र जी जब अयोध्या आते हैं, प्रेम का वर्णन किया और राजा जब दशरथ राजा गुजर गए थे तो उनकी अंत्येष्टि का के भावों का संचार किया, नगरवासियों को साथ देकर भरत जी वहाँ गए और सुख की राशि प्रभु रामचंद्र जी ने जो है उनकी वंदना कर दी। तो पुण्य रघुपति बहु विधि समझाए। फिर रघुनाथ जी ने भरत जी जब पूरी प्रजा को लेकर के चित्रकूट में रामचंद्र जी को वन में असह्य उनके लिए हो गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान इस प्रकार से वन में रहें और मैं अयोध्या में राज करूँ, ये नीति के विरुद्ध है। ऐसे मर्यादा की बातों को समझ करके भरत जी रघुनाथ जी को वापस बुलाने के लिए पहुँचे और तब उन्होंने इस प्रसंग को भी पूरा रहस्य के साथ समझाया, ले पादुका अवध बुलाए। तब रामचंद्र ने उनको समझा करके अपनी पादुका लेकर के खड़ाऊँ लेकर के अयोध्यापुरी को उनको लौटाया और भरत रहे सुरपति सुर करनी यह कथा कही कि भरत जी नंदीग्राम में रहने की रीति और जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी मुनि वेश में और इस प्रकार से बदकल वस्त्रों को पहन करके चित्रकूट में अनेक प्रकार की रचनाओं को रच रहे थे, इसी प्रकार भरत जी ने उनकी खड़ाओं को लेकर के अपने जीवन को जिस प्रकार से बदकल वस्त्र पहनकर मुनियों के वेश में अवतरित करके अयोध्या के राज्य को चलाने का कार्य किया। तो इंद्रप्रस्थ जयंती की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप का वर्णन किया। तो दोस्तों इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जीवन चरित्र का पूर्ण वर्णन जिस प्रकार से काकभूषण जी के अंतःकरण में जो ज्ञान था, एक भक्त के अंतःकरण में जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए भगवान शिव को भी काकभूषण जी के शरण में हंस बन करके और जाना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें रामचंद्र के वास्तविक शक्ति मर्यादा आदर्श और मानवता के कल्याण के लिए किस प्रकार के कार्य किए वो पूरे प्रसंग विधिवत सुने और उनका अनुसरण करने का भाव बनाए और मानव चेतना को जगाने का कार्य किया। तो दोस्तों कही विराद बद जही विधि दे तजी सर्वभंग वरण सुतीक्षण प्रीति पुनि प्रभु अगस्त सत्संग। तो दोस्तों उसके बाद के बाद जिस प्रकार विराद का वध हुआ और सर्वभंग जी के ने शरीर त्यागा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने सर्वभंग जी को मोक्ष की प्राप्ति की और सर्वभंग जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का सानिध्य प्राप्त किया
और विराट का वध करना उनको जरूरी था, क्योंकि और यह प्रसंग देह तजि सर्वभंग सर्वभंग ने अपनी देह तदि वरण सुतीक्षण प्रीत कुनी, यह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके सुतीक्षण जी ने जिस प्रकार से वन में जो है परमात्मा का ध्यान लगाया तो उन प्रेम प्रसंगों का वर्णन करके अगस्त्य जी का सत्संग प्रशांत का अगस्त ने जिस प्रकार से रामचंद्र जी को ज्ञान के भावों से संचित किया, ज्ञान की पिपाशा से उनके ज्ञान को बढ़ाने का, तो अगस्त्य जी के ज्ञान के परिणाम स्वरूप जब अगस्त्य जी ने परम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी को ज्ञान दिया तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनको अपने आश्रम में उनके आश्रम में गए जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी पर्णकुटी में रहते थे। तो अगस्त्य जी के ज्ञान से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने रावण के वध के समय आदित्य हृदय शोतमंतसी के अंतर्गत जो अपने जीवन में चमत्कार और ज्ञान चक्षु का उदय हुआ उससे ही उन्होंने रावण के वध करने में उनको अपार शक्ति का संचार हुआ। इस प्रकार दोस्तों काकभूषण जी ने गरुड़ जी के अज्ञान को और उनके संशय को उनके मोह के बंधन को हमेशा से संसार महानाट्य से विमुक्त करने के लिए उनको उनके भावों को स्वच्छंद करने के लिए जिस प्रकार से अनेक प्रकार से सत्संग के सानिध्य में जाकर के गरुड़ जी ने अपार हर्ष की अनुभूति की और इस सांसारिक मोह माया के बंधन से उनका जीवन परित्यक्त हुआ। इसी प्रकार दोस्तों परमात्मा के आशीर्वाद और परमात्मा की भक्ति भावों में पूर्ण रूप से समर्पण के भावों से प्रत्येक मानव भी अपने जीवन को चरितार्थ कर सकता है। उत्तरकांड में दोस्तों कलयुग में अनेक प्रकार के झुंड के रूप में जो पाप की वृद्धि हो रही है उस पाप को पाप के अंत करने के लिए पाप के भावों को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए मानव चेतना को जागृत करने के भावों का संचार किया है। आज हमारे जीवन में रामचरितमानस की जो वास्तविक मर्यादा है जो आदर्श हैं जो संस्कार हैं उन संस्कारों का अगर हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करें तो हम कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं हो सकते। हम नेक कार्य करेंगे राम राज्य में राम राज बैठे तुल्लों का हर्षित भई तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अनेकों प्रकार के दुखों को यातनाओं को कठिनाइयों को और चुनौतियों का निराकरण करते हुए अपने जीवन को मानव रूप में अवतीत होकर के मानवता के लिए एक संदेश के रूप में हमेशा के लिए संसार में छोड़ने का प्रयास किया। अंतोगता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हनुमान जी को हमेशा अमरत्व का वरदान देकर के कलयुग के साकार देवता बनने के पश्चात का आशीर्वचन दिया वरदान दिया, इसीलिए हनुमान जी को कलयुग का देवता माना जाता है। और रामचंद्र ने खुद जल समाधि लेके अपने जीवन को मानव जीवन को समाप्त करके इस मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। यही उपदेश काकभूषण जी ने गरुड़ जी को पूर्ण विस्तार के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के प्रसंग में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, हमारे चिंतन में परमात्मा के वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो जिससे हमारा जीवन हमेशा के लिए उन्नत बने चरित्रवान बने आदर्श बने और मर्यादित बने। सब लोग सुखी रहें प्रसन्न रहें खुश रहें।